डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल में अपन जो थ्योरी है अपनी स्टोन एज की, उसको बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ई एच कार की पूछी भी जाती है, ई एच कार फादर ऑफ हिस्ट्री इनको बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, ई एच कार, ठीक है। इनकी क्या डेफिनेशन है, इतिहास की क्या डेफिनेशन उन्होंने दी, हिस्ट्री इज एन इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड हिस्टोरियंस। हिस्ट्री क्या है ई एच कार के अनुसार, इंटरेक्शन है इन दो के बीच में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड हिस्टोरियंस। अभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, जैसे मान लो देखो अभी अपन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो बाई चांस क्या होता है, जैसे मान लो अभी प्रलय आती है और धरती का विनाश होता है और अपन ऐसे कैसे धरती के अंदर नीचे समा जाते हैं सभी, ठीक है। फिर करोड़ों साल बाद जैसे उत्खनन में निकलते हैं, तो जैसे मान लो ये लैपटॉप निकलता है, ईयरफोन निकलता है, सब रिकॉर्डिंग डिवाइसेस निकलते हैं, ठीक है। तो फिर जो जिस हिस्टोरियन इन फैक्ट्स को रीड करेगा, मतलब इन जो सामग्री मिलेगी, तो वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि उस समय में शायद तकनीक काफ़ी उन्नत थी, ऐसे कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता था और शायद ऑनलाइन क्लासेस होती थी जो स्टूडेंट दूरस्थ बैठे हुए सुनते थे, ठीक है। तो फिर वो निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ कारण ऐसे थे जिस कारण से कि डायरेक्ट जो क्लासेस होती थी आमने सामने वाली वो नहीं ली जा रही थी, तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से वो आने वाले समय में हिस्टोरियंस फिर निष्कर्ष निकालते हैं जो सामग्री मिलती है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने को समझना है इसको, मतलब अपने को मीनिंग पता चलना चाहिए, रटने से नहीं होगा। व्हाट आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो सामग्री मिलती है वो एक तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। फिर मान लो कोई तत्कालीन समय में कोई किताब लिखी हुई, जैसे अभी अपन देखेंगे इतिहास का स्रोत टॉपिक, जैसे अपन देखेंगे जैसे अपने अर्थशास्त्र लिखी हुई है चाणक्य के द्वारा, इंडिका लिखी हुई है कि नहीं, हर्षवर्धन के जैसे घनश्याम वगैरह के, फायर वगैरह के जो अकाउंट्स हैं अल्बरूनी के हैं, तहकी के हिंद, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब अल्बरूनी की, तो उस किताब में जो लिख दिया फिर उसको हिस्टोरियंस पढ़ते हैं और फिर उसे निष्कर्ष निकालते हैं हिस्टोरियंस कि उस समय शायद ऐसा रहा हो, समझ रहे हो। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कोई सामग्री भी हो सकती है, समकालीन सामग्री, कोई किताब भी हो सकती है, वो सारे। जैसे मान लो इंडिया 2020 किताब है, ठीक है, तो ये उत्खनन में मिलती है जैसे हजारों साल बाद, तो फिर पढ़ा जाए, अच्छा, हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में, उस समय की इतिहास ऐसा था, उस समय की सरकार ये काम करती थी, तो ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो ई एच कार के अनुसार, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री के अनुसार, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज एन इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड हिस्टोरियन है। इतिहास क्या है, इतिहास एक ऐतिहासिक तथ्यों और इतिहासों के बीच में एक क्या है, एक एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एक समन्वय कह लो, चाहे एक इंटरेक्शन वार्ता कह लो या अंतर्विलाप कह लो, एक ही चीज है, ऐतिहासिक तथ्य और इतिहासकारों के मध्य एक जो इंटरेक्शन अपन देखते हैं उसको इतिहास कहा जाता है, ठीक है, ई एच कार के अनुसार। अब क्या है, और इसकी बेसिक डेफिनेशन हिस्ट्री के अपन और क्या देखें, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, इतिहास, है ना। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी, कि अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी, मतलब किस तरह से वो घटनाएं घटी, क्या उनका कारण था, क्या परिणाम था, इस शास्त्र, जो शास्त्र ऐसी जानकारी अपन को देता है, इतिहास काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्रों में इतिहास कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं सीधा, अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्रों में इतिहास कहते हैं, दोनों सही है, घटनाओं की स्थिति कह लो चाहे घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को, दोनों, मतलब घटनाओं की स्थिति की जानकारी या घटनाओं की जानकारी, एक ही चीज है। इस शास्त्र को अपन क्या बोलते हैं, इतिहास, इतिहास है ना। इतिहास से दो वर्डों से बना, इति प्लस हास, है ना। इति का मतलब ऐसा ही, हास का मतलब हुआ था, इतिहास ऐसा ही हुआ था, ठीक है। फिर जैसे एक अपन शब्द बोलते हैं तारीख, तो जैसे ये आएंगे, जैसे अपन मुगल कालीन, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन जब इतिहास का स्रोत पढ़ेंगे, जैसे तारीख ए हिंद मैंने बताया अलबरूनी की एक किताब का नाम है, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए शेर शाही, तारीख ए फिरोज शाही, है कि नहीं, ठीक है। तो तारीख क्या होती है, तारीख जैसे आज अपन बोलते हैं डेट, वही दिनांक, दिन प्लस अंक, दिनांक, ठीक है, तारीख। तो तारीख ये फारसी शब्द है और तारीख का मतलब भी क्या होता है, ये इतिहास ही होता है। आज की तारीख जैसे जो आज का दिन गुजर जाएगा, तो आज का दिन अपने आप में क्या बन जाएगा, ये इतिहास बन जाएगा। तो जैसे बोलते हैं तारीख गवाह है, ठीक है, तारीख पे तारीख, कोर्ट पे जैसे जो है, तो तारीख का मतलब क्या है, इतिहास, ठीक है, फारसी में तारीख, ठीक है। तारीख ए हिंद अलबरूनी किताब का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद, हिंदुस्तान का आम इतिहास, ऐसे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, प्राचीन इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में बांटा है, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है इतिहासकारों द्वारा, कौन कौन से तीन भाग, प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्ट्री, ठीक
प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। फिर है आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री, आद आद हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री, और फिर ऐतिहासिक काल हिस्ट्री। ठीक है, अब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक स्टोरेज अपन देगा, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीन ये काल है, समझना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना, उड़ जाओगे अगर ये नहीं समझोगे तो। प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। पहले प्री है ना, सबसे पहले प्रीलिम्स ही है। ठीक है, अब ये प्री हिस्ट्री क्या है, जैसे अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास है ना, प्राग इतिहास ये उसको, और जब अपन इसकी संधि कर देंगे ना तो ये क्या गेमे हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। कहने का मतलब है कि प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक युग का अपने पास कोई भी लिखित, जैसे जो है ना लिखित, लिखित कह लो चाहे साहित्य कह लो, ये सोर्स अवेलेबल नहीं है, केवल पुरातात्विक साधन है। पुरातात्विक साधनों में जैसे क्या आए थे, अभी अपन ने स्टोन टूल्स पढ़े थे, आयनिक ने पढ़े थे अपन ने, हस्तकुठार है कि नहीं, वेदक, वेदनी, खुरचनी, वो सब। ठीक है, तो स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स कह लो चाहे बोन टूल्स कह लो, वो हैं। ठीक है, राख के टीले हैं, जैसे चूल्हे मिले हैं, वो बर्तन मिले हैं, जो मृदभांड मिले हैं, वो तो वो सारे क्या है, वो पुरातात्विक साधनों पर ही ये निर्भर। इस चैप्टर के बाद अपन पढ़ेंगे, चैप्टर भी आएगा आगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसमें और आपको समझ में आएगा। लेकिन पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अवेलेबल है। फिर जैसे फॉसिल्स, जैसे मानव के अवशेष, जैसे अपने देखे थे, मानव देखा अपने होमोनॉइड, नाई होमोनाइड और होमोनिड, रामापिथेकस, फिर रामापिथेकस ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, होमोसिपियंस, होमोसिपियंस सिपियंस, है ना, ऐसे। तो वो सारे उस मानव के फॉसिल्स मिले, उसके आधार पर निष्कर्ष अपन सारे निकालते, सॉरी ये नहीं पढ़ा यहाँ यहाँ। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, प्राग इतिहास अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य और बर्बर लिखित नहीं है। कहने वाला उस समय किसी प्रकार की लिपि, स्क्रिप्ट का नॉलेज लोगों को नहीं। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, मतलब प्रागैतिहासिक जो है ना प्री हिस्ट्री, उसको तीन भागों में अपन बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरा का मतलब पेलियोलिथिक, पेलियो लिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, देखो ये लिथिक लिथिक सब में कॉमन है लिथिक, तो पेलियोलिथिक पुरापाषाण, पेलियोलिथिक मध्यपाषाण, मध्य बीच में रहा मीजोलिथिक, और नवपाषाण नियोलिथिक। हिंदी में भी आप देखोगे तो पाषाण पाषाण कॉमन है सब में, और इंग्लिश में लिथिक कॉमन है, तो पाषाण का मतलब है लिथिक। तो स्टोन के टूल्स जैसे जैसे बनते गए, पुरस्कृत होते गए, उस हिसाब से ये स्टेज अपन देखते हैं। पेलियोलिथिक में तुलनात्मक रूप से टूल्स मोटे थे, बड़े थे, उनके ऊपर धार नहीं लगी रहती थी, घोटे थे, सुडोल नहीं थे। म्यूजोलिथिक में तुलनात्मक रूप से पतले हो गए, ठीक है, सुडोल हो गए। नियोलिथिक में तुलनात्मक रूप से और पतले हो गए, और उनके ऊपर पॉलिश की जाने लगी, उनमें हैंडल वगैरह और अच्छे लगने लग गए। हैंडल का जैसे नियोलिथिक में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रिंग डेक्स का, समझ में आएगा आपको, रिंग डेक्स है कि नहीं, मुद्रिका, मुद्रिका हस्तकुठार, रिंग को मुद्रिका बोलेंगे। ठीक है, तो ये टूल्स के आधार पर ये सारा विभाजन अपन आगे देखते हैं, समझ गए। तो विभाजन काफी इंपॉर्टेंट है, पहला तो तीन विभाजन ये, प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक हिस्ट्री। फिर प्रागैतिहासिक काल के अंदर अपन सबसे पहले अपन देख रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के तीन विभाजन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब अपन देखते हैं पुरापाषाण पेलियोलिथिक एज। ओके ओके।